से 10 साल पहले आए थे और जिस तरह हमने विकसित उत्तर प्रदेश को डेवलप किया है वो आप सबके सामने और उसी पे वोट मिल रहा है। हम जो 3 चुनाव जीते हैं उत्तर प्रदेश में वो भी इसी मुद्दे पे जीते हैं। तो हर व्यक्ति सिर्फ ये चाह रहा है कि विकास हो और विकास के लिए जो खबर हमारे दर्शकों को जरा हम बता दें, उसके बाद फिर से आपके पास आएंगे। गौतम बुद्ध नगर से खबर आई है, अल्फा वन में आधे घंटे वोटिंग रुक गई है, बूथ 7 पर आधा घंटा खराब रही ईवीएम मशीन, आधे घंटे तक मतदान यहां पर बाधित रहा है, इंजीनियर भेजकर इसे सही करवाया गया है मशीन को, और अभी फिलहाल जानकारी नहीं मिल रही है कि क्या दोबारा से यहां पर वोटिंग शुरू हुई है कि नहीं हुई है, लेकिन इंजीनियर वहां पर पहुंच गए हैं और ईवीएम को चेक किया जा रहा है। लेकिन गौतम बुद्ध नगर के अल्फा वन में आधे घंटे तक मतदान जो रहा वो रुका रहा, बूथ संख्या 8 पर आधे घंटे तक जो ईवीएम मशीन है वो खराब रही है, आधे घंटे तक मतदान बाधित रहा है, फिलहाल इंजीनियर भेजकर मशीन को सही करवाया जा रहा है और जैसे ही ये वहां पर सही होती है मशीन एक बार फिर से मतदान होता है। शरद जी अपनी बात को कंटिन्यू करिए। मैं ये कह रहा था कि जो विकास का मुद्दा हम लेके आए थे आज, जनता आपके संवाददाता जो जनता से राय ले रहे थे वो सब एक ही बात कह रहे थे कि हम विकास के लिए वोट डालने जा रहे हैं और हम सिर्फ आगे भी विकास की ही बात कर रहे हैं, हमें कोई जाति धर्म संप्रदाय से कोई लेना देना नहीं है। जिस तरह उत्तर प्रदेश को हम तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था पर लाए हैं, जिस तरह 40% जो टोटल भारत में सड़कें हैं वो उत्तर प्रदेश में हैं, 16% निवेश जो पूरे भारत में सबसे ज़्यादा है वो उत्तर प्रदेश में हुआ है, तो हम सिर्फ एक ही मुद्दे पर चुनाव लड़ने आए हैं, पहले भी यही था और आज भी यही है कि हम विकास के मुद्दे पर। लेकिन एक सवाल का जवाब दीजिए, अब तक तो विकास की बात बीजेपी करती रही है, साल भर तक विकास की बात होती रही, जब कैंपेन में उतरे तब भी विकास की बात हुई, लेकिन फर्स्ट फेज के बाद हमने देखा कि विकास को छोड़कर बहुत सारे ऐसे बयान प्रधानमंत्री की तरफ से और बीजेपी की तरफ से दिए गए, कहा यह गया विपक्ष की तरफ से कि ध्रुवीकरण करने की कोशिश है, तो कहीं लगता है कि वो विकास पीछे रह गया और यह बात कहीं और निकलकर चली गई और सेकंड फेज आते आते चीजें चेंज हुई है। नहीं नहीं, देखिए जिस तरह से विपक्ष इस चीज़ को पेश कर रहा है उसका इससे कोई लेना देना नहीं है, विपक्ष ही ला रहा था ये सारे मुद्दे जो हैं, जो जनता को बांटने के मुद्दे थे वो विपक्ष के थे, हमारे मुद्दे नहीं थे। जो हज हाउस, हज सब्सिडी, हज टर्मिनल और कब्रिस्तान दिया गया है वो हमने नहीं दिया है, वो विपक्ष ने दिया है और आज भी वो यही कह रहे हैं कि साहब हम जो है सबकी संपत्ति लेके और हम सबको बांट देंगे। शरद जी, मंगलसूत्र छीन लेने वाला बयान तो बीजेपी का है, मंगलसूत्र छीनने वाला बयान तो बीजेपी का। ये छीनने वाला नहीं, छीन रहे हैं और छीना था, हम उसकी बात कर रहे हैं। आप देखें 2 लाख मंदिर जो हैं जिनके ऊपर सरकार का कंट्रोल है, एक भी मस्जिद का नाम बता दें जिस पर सरकार का कंट्रोल है और टैक्स जिससे सरकार ले रही है। कहा कि 55 साल तक कांग्रेस पार्टी रही है सत्ता में, कौन सी महिला है जिसका मंगलसूत्र छीन लिया? पूरे भारत में 2 लाख मंदिर हैं जिनके ऊपर सरकार का नियंत्रण है और सरकार उनसे टैक्स कलेक्ट करती है, एक मस्जिद का नाम बता दें जिससे जो सरकार के नियंत्रण में है, जिससे सरकार टैक्स ले रही है, लेकिन वजीफा किसको दिया जा रहा है? जो मौलाना है उनको वजीफा दिया जा रहा है, पैसे उनको बांटे जा रहे हैं, किसी मंदिर में किसी पंडित को तो नहीं दिया जा रहा है। यही था कि जब विकास के नाम पर बीजेपी वोट मांग रही है, आप लोगों को भरोसा है, तो फिर बाकी मुद्दों में फंसाने की, उलझाने की जनता को कोशिश क्यों की जा रही है? नहीं, ये जब मुद्दा लेके आए कि साहब हम जो है एक्सरे करेंगे और सबके पैसे लेंगे और सबको बांटेंगे, तो ये किसको बांटने जा रहे हैं? ये उन्हीं को तो बांटने जा रहे हैं जिनको ये पहले बांट रहे थे। किसी भी पंडित को, किसी पुजारी को, किसी मंदिर में कोई वजीफा दिया गया, उनको कोई स्कॉलरशिप दी गई है, कोई तनख्वाह बांटी गई है? आप जो लोग आरोप लगा रहे हैं जिनको बांटने जा रहे हैं वो भी तो देश का हिस्सा है ना, आपको नहीं लगता कि ये ध्रुवीकरण की राजनीति है, तुष्टिकरण की राजनीति है? अगर हज हाउस बन रहा है, हज सब्सिडी बन रही है, हज टर्मिनल बन रहा है, हमें बहुत खुशी है, ज्यादा बनने चाहिए, लेकिन दिक्कत यह है कि तीर्थ टर्मिनल नहीं बन रहा है, क्रिश्चियन टर्मिनल नहीं बन रहा है, यहूदी टर्मिनल नहीं बन रहा है। और जैसे माननीय मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि साहब जो है पहला अधिकार भारत की संपत्ति पे मुसलमानों का है, तो हम कह रहे हैं कि साहब क्या मुसलमान ही अल्पसंख्यक हैं? क्या यहूदी जो 7,000 है वो अल्पसंख्यक नहीं है? 40,000 पारसियों के बारे में कभी किसी हमारे नेता ने बात करी कि साहब 40,000 जो पारसी भारत में वो अल्पसंख्यक हैं? लेकिन 22 करोड़ मुसलमान अल्पसंख्यक हैं, क्योंकि वो सत्ता बनने या बिगड़ने में इनकी मदद कर सकते हैं। इनको किसी भी उस आदमी से कोई लेना देना नहीं जो इनको सत्ता में नहीं लाता है। हमने 168 यहूदियों को गुजरात में अल्पसंख्यक का दर्जा दिया, जिसके ऊपर आप प्रधानी का चुनाव भी नहीं जीत सकते। हम चुनाव के लिए नहीं कर रहे हैं,
ठीक है सर, सबका साथ सबका विकास की बात आप कर रहे हैं, आप ठीक है, ये जनता तय करेगी कि वो कितना ज्यादा आपको पसंद करती है और किसको वोट कास्ट करती है। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास में। मथुरा से नितिन गौतम भी हमारे साथ पे जुड़ गए हैं। मथुरा की बात करें तो यहाँ से हेमा मालिनी बीजेपी के प्रत्याशी हैं और तीसरी बार चुनावी मैदान में हैं। नितिन का रुख कर लेते हैं। नितिन, जरा तस्वीरें अपने आसपास दिखाई और बताइए कितना उत्साह है जनता में। तो नितिन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, नितिन से जुड़ेंगे फिर उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन विजय राठी भी हमारे साथ में जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता है। विजय जी, जिन 8 सीटों पर उत्तर प्रदेश में इस बार इलेक्शन हो रहे हैं सेकंड फेज में, अगर पिछली बार की बात की जाए तो 1 सीट भी समाजवादी पार्टी के खाते में नहीं थी, अब बताइए इस बार जनता से कितनी उम्मीद है? समाजवादी पार्टी तमाम सीटें जीतने जा रही है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बधाई दूंगा कि जिस तूफानी अंदाज में आप दोनों ने एंकरिंग की और आज बीजेपी के प्रवक्ता को फंसाया, उन्हें शायद उम्मीद भी नहीं थी। आज वो घर जाके सोचेंगे, ऑफिस में फोन करेंगे कि यार मुझ पे तो जवाब ही नहीं आ रहा था, ये कैसे कैसे सवाल पूछ लिए उन्होंने, तो जो रियल सवाल थे वो पूछ लिए आज। मैं इनसे बता दूं, ये जिस विकास की बात कर रहे हैं, विकास को लेकर के आए थे, बार बार ये आपसे बता रहे हैं कि आपके संवाददाता को लोग कह रहे हैं विकास के नाम पे वोट देंगे। सही बात है, लोग यही तो बोल रहे हैं कि झूठ पे वोट नहीं देंगे, विकास पे वोट देंगे। आप लोगों ने किया ये है कि आप लोगों ने चंदा दो और धंधा लो, ये हफ्ता वसूली गैंग वाला जो नया ट्रेंड इतने ऊपर वाले लेवल पे भारतीय जनता पार्टी ने चलाया, ये इस देश के लिए शर्मनाक बात है कि आप हमें पैसा दो नहीं तो हम रेड डालेंगे आपके ऊपर, आपके ऊपर केस चलाएंगे और जैसे ही आप पैसा दे दोगे सब कुछ खत्म कर देंगे और आपको काम दे देंगे। ये इस तरह का मॉडल जो डेवलप किया इस देश में, ये जो मॉडल डेवलप किया है कि युवाओं से पैसा लेंगे, फीस लेंगे, फॉर्म भरवाएंगे और उसके बाद पेपर लीक कर देंगे और फिर 6 महीने साल भर कह करके करोड़ों रुपए का पूल इकट्ठा करके उनसे बीजेपी के ऑफिस बनवाएंगे। यही तो काम किया है भारतीय जनता पार्टी ने 10 सालों में, और क्या किया उत्तर प्रदेश के मेरठ से बीजेपी जो हमारे प्रधानमंत्री जी है उसकी शुरुआत करते हैं ज्यादातर रैली की। समाजवादी पार्टी क्या काम करेगी? आप जनता तक वो कौन से मुद्दे लेकर जा रहे हैं जिसके लिए वो आपको वोट कास्ट? मैं बताता हूँ प्रधानमंत्री जी जब भी रैली शुरू करते हैं लगभग मेरठ से शुरू करते हैं और झूठ यहीं से बोल के जाते हैं, और मैं मेरठ में ही बैठा हूँ। उन्होंने सबसे पहले कहा था कि चौधरी चरण सिंह के नाम पे एक फंड बनाऊंगा 75 जिलों में उत्तर प्रदेश के, सरकार बनते ही बताइए एक भी जिले में बनाओ या नहीं बनाओ, इतना झूठिया बोलते हैं। जहां मैं बैठा हूं मेरे पीछे शुगर फैक्ट्री है, किसान जो गन्ना किसान है उसका गन्ना ट्रैक्टर ट्रॉली में लद करके मील के बाहर खड़ा, उनकी पर्चियां नहीं आ रही, गन्ना किसान परेशान है। टीवी पे बैठ करके झूठ बोलते हैं कि विकास के नाम पर किसान वोट देंगे, किसानों के खेत में आज वो गेहूं की फसल काटने वाले गाय ये सब जो छुट्टा पशु है उनकी फसलें खा रही है, ये कहते हैं हमने विकास कर दिया। अरे रोजगार तुमने नहीं दिया, बेरोजगारी शीर्ष पे इस देश में तुमने पैदा की। और मैं तो सबसे देखिए आज खुशी का दिन इसलिए भी है कि मतदान है, लेकिन आज जिस तूफानी अंदाज में आपने सवाल कर दिया इनसे, इनको यकीन है, चेहरा देखा आपने, आज स्माइल नहीं है इनके चेहरे पे फर्स्ट फेज के बाद से। और ये इस बात को भी डिफेंड कर रहे हैं कि इस देश के प्रधानमंत्री पहली बार खुलेआम मन से मुसलमान 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 खा जाएंगे उठ जाएंगे मंगलसूत्र, मतलब इनका जो एक वो कहते हैं ना लास्ट चित होती रहेगी। लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर हम आपको बता दें, उत्तराखंड के सीएम ट्वीट कर लोगों से वोट डालने की अपील की।